अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोनिया लोधी फ्रॉम द 36 डेज चैलेंज एंड आई एम अ हेल्थ एंड फिटनेस कंसल्टेंट। एक फिटनेस कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोविड-19 यानी कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। जैसे कि WHO और हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स को मद्देनजर रखते हुए कुछ चीज़ें अनाउंस की हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सोशल डिस्टेंस को हाईलाइट किया गया है। अपने घरों में महदूद रहिए, कोशिश कीजिए बार बार हाथ धोते रहिए। बार बार हाथ धोने से मकसद ये है कि जो जरासीम कहीं अगर आपके लग गए हैं, जो वायरस अगर आपके खुदा न खास्ता हाथ पे लग गया है, तो वो वॉश होने से उतर जाएगा। अगर हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है तो नो वरीज़, आप सबके घर में डेटॉल मौजूद होता है। आप थोड़ा सा डेटॉल को स्प्रे बॉटल में बना के रख लीजिए और जस्ट राइट आफ्टर हैंड वॉश आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। अगर घर से बाहर निकलना आपका हो गया है तो कोशिश कीजिए जब आप घर में वापस आएँ सो अपने शूज़ या अपनी स्लीपर्स घर के बाहर ही उतारिए और वही स्प्रे अपने पैरों पे कीजिए। और सबसे पहले अंदर आने के बाद चेंज करना है, शावर लेना है गर्म पानी से, और कोशिश कीजिए कि गर्म चीज़ लीजिए, यानी कि कोई चाय, कॉफ़ी या कोई सूप वगैरह। और सबसे अहम बात, स्टीम। स्टीम घर में जितने भी फर्द हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको ट्वाइस अ डे अगर स्टीम ले ली जाए, सबको दिलवा दी जाए, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि स्टीम लेने से हमारा रेस्पिरेटरी, हमारा ENT जो सिस्टम है, ये बहुत अच्छा हो जाता है, खुल जाता है, और इसमें गर्म जब हवा वो भाप जाएगी तो अल्लाह करे ना हो कुछ ऐसी चीज़, कोई वायरस वगैरह, लेकिन अगर वो कुछ हो तो वो सस्पेंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सबसे एक अहम बात ये कि विटामिन सी का इनटेक बढ़ा दीजिए, क्योंकि विटामिन सी जो है वो आपकी कुव्वत मुदाफियत यानी आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी और बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा अहम होता है। सो जितनी भी सब्जियां हैं, मोस्टली पालक हो गया, हरी मिर्च हो गई, लेमन हो गया, या और सिट्रस फ्रूट्स, उन सब के अंदर विटामिन सी का रेशियो बहुत हाई होता है। तो कोशिश कीजिए फ्रूट्स का इंटेक भी रखिए, लिक्विड इंटेक भी रखिए, लिक्विड इंटेक बढ़ा दीजिए, मिनिमम 3 लीटर्स पानी पीजिए। अपना इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमें अपनी नींद पूरी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कोशिश कीजिए 7 to 8 hours की स्लीप आप ज़रूर लें, और जो बच्चे हैं वो 10 hours की स्लीप ज़रूर लें। और साथ साथ मैं आपको एक टिप और भी बताना चाहूँगी कि वर्कआउट करते रहिए। जैसे कि मैं 36 डेज चैलेंज से एसोसिएटेड हूँ और हम लोग ऑनलाइन वर्कआउट भी इसीलिए करवा रहे हैं कि हर जिम, हर स्टूडियोज़ पे बैन लग चुका है, कोई भी इस किस्म की एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो एटलीस्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के ज़रिए आप अपना एक हेल्दी रूटीन जो है वो रख सकते हैं। एंड एज आई से, आपको अगर इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो अपनी नींद पूरी करनी है, अच्छा खाना है, मतलब न्यूट्रिशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और वर्कआउट करने से आपके हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, जो कि आपके मूड को कंट्रोल करने में बहुत अहम होते हैं। सो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आधा से एक घंटा वर्कआउट ज़रूर कीजिए, हमारे साथ वर्कआउट कीजिए, हम आपको करवाएंगे। द 36 डेज चैलेंज के पेज को आप लाइक कीजिए, हमें अपनी अपने नंबर जो है वो लिख भेजिए, हमें इनबॉक्स कीजिए, आपको वहाँ से ऑनलाइन सेशन की डिटेल्स मिल जाएंगी। और प्लीज़ घर में रहिए, अगर आपको अपने आप से मोहब्बत है घर में रहिए, क्योंकि अगर हम नहीं हैं तो फिर कुछ नहीं, जान है तो जहान है। प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू सो मच।